कैसे हैं आप सब। मैं हूं सुनील एंड आप देख रहे हैं हमारे चैनल क्लैशिंग विद सुनील। तो यार हम सभी जानते हैं कि इंडियन क्लैशिंग कम्युनिटी टूर्नामेंट फाइनली खत्म हो चुका है एंड उसके ऊपर समरी वीडियो आएगी। बट आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ सूरज 8.9 जो कमाल के पुशर है एंड पेपर बोट गेमिंग जिन्होंने ये इवेंट ऑर्गेनाइज करवाया उनके अटैक के बारे में। काफ़ी सही अटैक थे इसलिए मैं वीडियोस बना रहा हूँ, काफ़ी यूनिक स्ट्रैटेजी थी। तो ये वीडियो पूरी ज़रूर देखना एंड दोनों चैनल के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रहा हूँ, प्लीज़ जाके उनको सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो चलिए यार ये वाली वीडियो शुरू करते हैं एक बार। ये है वॉर मैप एंड मैं आपको दिखा देता हूँ, सबसे पहले अटैक दिखाता हूँ। सूरज 8.9 ने पेपर बोट गेमिंग पे अटैक किया था वो वाला। तो चलिए यार ये देख सकते हो, सूरज 8.9 ने बैटमैन के ऊपर अटैक किया है एंड ये देखो यार ये है उनका बेस। तो उन्होंने आर्मी यूज की थी कि दो बेबी ड्रैगन यूज किए, एक गुलाम एंड 26 हॉग राइडर्स एंड बाकी फनलिंग ट्रूप्स। तो यहाँ तक सही बात बताऊँ तो मुझे लगा कि यार अटैक फेल होने वाला है क्योंकि मैंने आज तक कभी ऐसा अटैक देखा नहीं था। भाई पूरा टाउन हॉल 9 मैक्स आउट कर रखा था अपने पेपर बोट गेमिंग ने एंड दोनों हीरोज 30-30 की थी, दोनों को एक ही पोजीशन पे रखा गया था। सो आई वाज होपिंग कि यार ये भी 3-स्टार करना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा एंड यहाँ पे सूरज 8.9 जानी अपने पुशिंग अटैक्स के लिए जाते हैं। काफ़ी कमाल के पुशर है, टाउन हॉल 9 हो कि इन्होंने लीजेंड पुश किया था तो ये काफ़ी सही अटैक करते हैं। तो यार अभी तक तो यहाँ पे अटैक बिल्कुल सही जा रहा था तो थोड़ी सी होप बनी हुई थी कि कुछ भी हो सकता है यार, क्योंकि यहाँ तक सब कुछ सही चल रहा था एंड यहाँ पे सीसी भी ल्यूर हो गई। तो देखते हैं अब क्या होता है एंड यहाँ पे सीसी को मारना थोड़ा सा मुश्किल रह रहा था क्योंकि क्वीन के ऊपर दो जायंट बम पड़ गए थे एंड बट क्वीन को फाइनली टैंक मिल गया किंग की तरफ से, इसलिए क्वीन को काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल गई, वरना यहाँ क्वीन डेड हो जाती। एंड फाइनली स्टार्ट की हॉग, भाई हॉग अटैक स्टार्ट कर दिया मास हॉग। भाई हॉग सही में कमाल के ट्रूप्स होते हैं एंड यहाँ तक जब अटैक आया था तब मुझे लगा कि अटैक सूरज जीतेगा, मतलब अटैक जाहिर सी बात है 3-स्टार हो जाएगा क्योंकि अभी तक 3 हीलिंग स्पेल पड़ी है, बहुत सारे हॉग राइडर्स पड़े हैं। तो मुझे लगा डैम श्योर इट इज़ अ 3-स्टार। तो यार बहुत सही अटैक था, मैंने नहीं सोचा था कि एटलीस्ट इस आर्मी से ये इस बेस को 3-स्टार कर देंगे। पूरा टाउन हॉल 9 मैक्स था एंड लिटरली यार मैं भी इस अटैक को ज़रूर ट्राई करूंगा अगर कभी मौका मिला तो। एंड अभी तक मतलब ऐसी बात नहीं है कि यार अटैक मुश्किल से जीते थे, अभी भी 2 हीलिंग स्पेल पड़ी है एंड ज़रूरत वैसे अभी एक की भी नहीं है यार, बहुत सही अटैक किया था। पूरा टाउन हॉल 9 मैक्स उड़ा दिया भाई, मतलब 3-स्टार कर दिया पेपर बोट गेमिंग का बेस एंड बहुत सही अटैक था, बहुत सही स्ट्रेटेजी थी, यूनिक अटैक था एंड गुलाम के भी 2 पार्ट्स अभी बचे हुए पड़े हैं एंड एक विजर्ड पड़ा है तो उन्होंने फाइनली उसको क्लियरेंस के लिए यूज़ किया, हीलिंग स्पेल को मजे में ड्रॉप किया। ओके एंड यार ये बेस पूरा इजीली 3-स्टार कर दिया सूरज 8.9 ने। वैसे सूरज 8.9 को हम सभी जानते हैं काफ़ी कमाल की पुशिंग करते हैं एंड पेपर बोट गेमिंग इस इवेंट के ऑर्गेनाइजर हैं जिन लोगों को अभी तक नहीं पता। तो अब आपको मैं दिखा देता हूँ पेपर बोट गेमिंग ने अटैक किया था, सूरज का बेस कहाँ गया। ओके किंग सूरज, तो देख सकते हो बैटमैन ने भी इस पे 3-स्टार मारा पेपर बोट गेमिंग ने, ये भी पूरा मैक्स टाउन हॉल 9 है। देखो 30-30 के हीरोज हैं, पूरा डिफेंस मैक्स आउट कर रखा है एंड इन्होंने यूज़ की थी 13 वल्कायरी एंड 6 विजर्ड्स एंड क्वीन वॉक को यूज़ करके एंड कुछ फनलिंग ट्रूप्स यूज़ की थी, हॉग राइडर्स इन्होंने भी यूज़ की एंड लेट्स सी कि यार ये वाला बीस 3-स्टार इन्होंने किस तरीके से किया। यार बहुत सही, मतलब इलेक्ट्रो ड्रैगन था सीसी में, यहाँ तक तो यार इलेक्ट्रो ड्रैगन को देख के यार काफ़ी सारे लोग डर जाते हैं बट मैं उसको ज़्यादा अच्छा डिफेंस नहीं समझता। हाँ डैमेज बहुत ज़्यादा करता है बट काफ़ी धीरे अटैक करता है एंड उसके ऊपर पॉइजन डाल दे तो बेचारा मर जाता है। तो देख सकते हो यार यहाँ तक अटैक बिल्कुल सही जा रहा था, क्वीन वॉक के थ्रू काफ़ी सही क्लियर किया इन्होंने। क्वीन अगर प्रॉपरली फनल हो जाती है तो काफ़ी इजीली आप किसी अच्छे बीच पे 3-स्टार निकल सकते हो एंड फाइनली वल्कायरीज को ड्रॉप कर दिया ताकि वल्कायरीज कोर की तरफ जाएं। ओके कोर की तरफ भी चली गई वल्कायरीज एंड यहाँ पे रेड स्पेल प्रोवाइड कर दी और दूसरी तरफ क्वीन अपनी क्वीन वॉक के लिए। यहाँ पे वल्कायरीज थोड़ी सी बाहर की तरफ निकली तो मुझे लगा कि हो सकता है शायद अटैक फेल हो जाए बट लेट्स सी कि क्या होता है। एंड यहाँ पे हॉग राइडर्स मौका देख के डिप्लॉय कर दिए बट जायंट बॉम्ब ने थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट की एंड दूसरी साइड क्वीन अपना सही से काम कर रही है, उसको कोई ये डिफेंस परेशान नहीं कर रहा वल्कायरीज को एंड यहाँ पे वल्कायरीज ने बिल्कुल सही काम किया, प्रॉपरली फनल किया था वल्कायरीज को
एंड काफी सही पोजीशन पे इन्होंने रेन स्पेल वगैरह प्रोवाइड की, क्वीन की एबिलिटी काफी सही टाइम पे यूज की थी, एंड यहाँ पे थोड़ा सा टेस्ला फार्म परेशान कर रहा है हॉग राइडर्स को। एंड लेट सी कि यहाँ पे हीलर्स ने क्वीन को छोड़ दिया। अरे 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 ये चोट हो गई, ये गलती मेरे साथ भी थी, हीलर्स ने बॉलर्स को पकड़ लिया था। वैसे इस अटैक में अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि वल्काइरीज बची हुई है, किंग बचा हुआ है इनका आधी हेल्थ के साथ ऑलमोस्ट, एंड दो हीलर्स पड़े हैं। तो अगर ये एयर डिफेंस टूट जाता है तो अनस्टॉपेबल हो जाएगा ये अटैक। तो वैसे सही अटैक था, एंड वल्काइरीज ने बाहर की तरफ से सब कुछ क्लियर कर दिया, एंड किंग पूरा कोर की तरफ जाएंगे अब, जाहिर सी बात है बॉलर्स वगैरह। वैसे अभी भी यहाँ पे वैसे टाइमिंग का इश्यू हो सकता था अगर ये प्रॉपरली बेस के अंदर एंटर नहीं करते, क्योंकि दो टेस्लास बाहर की तरफ छुपा रखी थी एंड वल्काइरीज हमेशा वॉल लेस पाथ ढूंढती है। तो हो सकता था कि यार इसमें टाइमिंग प्रॉब्लम आ सकता था, एंड दिस वॉज रियली क्लोज अटैक यार, काफ़ी इसमें टाइमिंग की प्रॉब्लम थी। एंड अगर ये 99% होके टू स्टार हो जाता तो यार काफ़ी अनलक्की अटैक होता। तो यार देख सकते हो सूरज 8.9 ने पेपरबोट गेमिंग पे अटैक किया, 3-स्टार अटैक था, एंड बदले में पेपरबोट गेमिंग ने सूरज 8.9 पे अटैक किया, वो भी 3-स्टार था। तो यार काफ़ी अच्छे अटैक्स थे दोनों के, एंड काफ़ी यूनिक अटैक थे यार, खासकर सूरज ने जो हॉग डिप्लॉय किए थे वो बहुत सही था, एंड पेपर बोट की क्वीन वॉक बहुत सही थी। तो यार बस यही थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल पे पहली बार आ रहे हो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्योंकि मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड कीप क्लैशिंग विद सुनील।